फ्रेंड्स, अशोक लेलैंड के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आ गए और यहाँ पर रिजल्ट अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही साइड पर। क्योंकि फ्रेंड्स, जो पिछले साल 3,838 करोड़ की स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर था, वो बढ़कर 7,000 करोड़ आया और यहाँ पर फ्रेंड्स ये 6,200 करोड़ से लगाकर 6,800 करोड़ तक आने का अनुमान था। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फिगर अनुमान से काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा पिछले साल जो 57 करोड़ का लॉस था उसके सामने इस बार 241 करोड़ का प्रॉफिट आया और फ्रेंड्स यहाँ पर 125 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का फिगर रहने का अनुमान था। हालांकि यहाँ पर फ्रेंड्स एक 37 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन भी है, मगर फिर भी फ्रेंड्स ये प्रॉफिट का फिगर अनुमान से काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओवरऑल देखें तो ये शेयर अभी 110 से 130 की रेंज में घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो अगले आने वाले दिनों में अनलॉक होगा और वापस बिक्री कितनी पिकअप होती है उस पर शेयर की चाल निर्भर करती है। तो यहाँ से शेयर नीचे जाने के तो चांस बहुत ही कम है। तो जो लोग इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी लेकर बैठे वो अभी बोर हो रहे होंगे, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा पेशेंट दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी तेज़ी होने वाली है।